अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, इधर भी होंगे, अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ होंगे। तो दोस्तों आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज हम लोग गांव में मौजूद हैं, मामू के नए फर्नीचर पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे अमन भी बैठी हुई है। आज हम गांव इसलिए आए हैं कि अमन ठीक नहीं, 3-4 दिन हो गए हैं, तो डॉक्टर को चेक करवाया, डॉक्टर ने कहा इसे टाइफाइड हो गया। अमन ऊपर देखो, ये देखें अमन का मुंह इतना सा हो गया और जो कलर है वो भी येलो हो गया। तो इतनी मेहनती बच्ची है, आपको दिखाना था कि इसको टाइफाइड हो गया, हाथ पे ये कनोला लगा हुआ है इंजेक्शन या ड्रिप लगवाने के लिए, तो फिर भी होमवर्क कर रही है अपना। इसने तरक्की करनी है, ये बच्चे होते हैं जो पढ़ लिख के कुछ बनते हैं। तो अमन का हम लोग पता लेने आए थे, अमन से पूछते हैं क्या हुआ अमन को। अमन क्या हुआ आपको? हाँ सरियो, मैं आपका पता लेने आया हूँ, बताओ ना सबको क्या हुआ आपको, हैं? बुखार हो गया? हाँ जी, तो टीका लगा कि ट्रिप लगी है? दबाने वाला टीका लगा, दबाने वाला टीका, ड्रिप लगी है इसको सुई के बगैर, तो वो कह रही है दबाने वाला टीका लगा मुझे। तो अब कब लगवाना टीका, कब नहीं लगवाना? आपको पता होना चाहिए, आप ठीक नहीं, दवाई आपने लेनी है, हैं? पता बाबा ने बताया, बाबा को पता होगा, मैं अब अपनी टीचर को काम चेक करवाऊंगी। अभी वो अपनी टीचर को काम चेक करवाने जा रही है, और इधर मेरे साथ इब्राहिम और कमांडो भी बैठे हुए हैं। तो अभी आती है वो काम चेक करवा के, तो फिर उससे बातें करते हैं। तो अभी अमन की टीचर अमन का काम चेक कर रही है यहाँ पे, ये देखे सारा ही सही लिखा है। अमन को अभी गुड भी मिलेगी, गुड मिलेगी आपको कि नहीं मिलेगी? शायद शायद क्या होता है। तो यहाँ पे अमन के पापा लेटे हुए हैं, तो अमन के पापा से पूछते हैं कि अमन का इलाज कितना और कितना रह गया, कब ठीक होगी वो? बताएं आप। अमन ठीक है जी, अब ठीक है, उसके बाद कनोला लगा हुआ है, कितने टीके लगने हैं? एक ड्रिप लगनी है जी और आज। अच्छा, फिर एक इंजेक्शन लगेगा, फिर वो ठीक हो जाएगी। ठीक, तो अमन को काम फिर से मिल चुका है, पहले ABC लिखी है, अभी 1-2 लिखने लगी है। तो हम अमन के पास बैठ के सीखते हैं कुछ कैसे लिखते हैं, हमें भी सिखाओ अमन, बताओ कैसे लिखते हैं। बताओ, मैं आपके पास बैठा हूँ सीखने के लिए। अच्छा, मैं देख ही जाऊँ ऐसे लिखते हैं। चलो ठीक है जी, नंगे तुम भी सीख लो। कमांडो को कहती है गंजे तुम भी सीख लो। कमांडो पिस्ती है भी। बताओ तो सही कैसे लिखते हैं, ये आपकी लाइन टेढ़ी हो गई है, ऊपर से आप कहीं और नीचे से कहीं हो, कुछ नहीं होता। चेक हो जाएगा, टीचर चेक कर लेगी। यस ठीक है जी। तो आपने नहीं होमवर्क करना? हाँ, इब्राहिम ट्यूशन जाता है, वो घर आया, मैंने कल वाले ब्लॉग में देखा होगा कि इब्राहिम ट्यूशन पढ़ के आया तो चारा काट रहा था। और रुको तो सही, बताओ कैसा लिखा है, मैं चेक करता हूँ ना इस दफा। आपने सारा गलत लिखा है, ये लाइन इधर को आनी थी, आप देखो कहाँ ले गई, ये 3 भी कहीं और ले गई है, हम नहीं चेक कर सकते, अपने टीचर को चेक करवाओ। चलो भागो, पूछो जी। वो कम आने लगी थी दूसरी क्लास में, इसकी सिस्टर खेल रही है, तो उनको टीचर बनाया हुआ है, तो टीचर से माई कमिन पूछ के अंदर आ रही है। तो टीचर ने फिर से गुड दे दी है अमन को, मैंने तो गलत कर दिया था, ये गलत है, लाइनें देखें उसकी कहाँ जा रही हैं, ये देखे खुश हो रही है। तो अभी हम लोग मामू की हवेली में आ चुके हैं, जहाँ सब्जियाँ लगाई थी, तो यहाँ तो एक भी सब्ज़ी बड़ी नहीं हुई, सारी सूख गई हैं,
इनसे अच्छा तो प्याज मेरा हो गया, इन्होंने एक महीना पहले लगाया था, तो मैंने ये 3-4 दिन पहले लगाया तो वो चल गया हुआ है, उसको पानी दिया था, मैंने आपको नहीं दिखाया। तो यहाँ एक द्रेंक मैंने कहते हैं इसको, आपकी तरफ क्या कहते हैं बताइएगा। तो ये पौधा लगाया था, इन्होंने पानी नहीं दिया किसी ने, तो ये भी सूख रहा है, तो अभी इसको पानी देते हैं। तो ये दूसरी तरफ इस साइड पे मिर्चें लगाई हुई हैं, अकेले मिर्चों के पौधे हैं, तो ये माशाल्लाह से चल गए हुए हैं और ये पानी आ रहा है, इनको भी पानी भी लगने लगा। पानी कहाँ से आ रहा है, जो घर का वेस्ट पानी होता है जो बाहर जाता है, ये देखे वो सामने, ये देखे ये पाइप बाहर को है और इस पाइप से ये पानी ऐसे नाली बनाई हुई है, तो ये सारा भी आ रहा है, तो यहाँ पानी लगता है, तो थोड़ा सा ये गीला हो जाती है, ये वाली पहले भी गीली है, तो फिर इधर को खोल देते हैं, इसको लगाते हैं, फिर ऐसे सब को पानी लगाते हैं। तो अभी हम लोग अपने पौधे को पानी देते हैं जो हमने नया लगाया था, तो अभी हम लोग इसको पानी देने लगे हैं। और ले के आओ, अमन इधर देखो। तो दोस्तों अभी डॉक्टर साहब आए थे, तो अमन को आधी ड्रिप शाम को लगाई थी, तो आधी अब लगा के गए हैं, तो अमन रो रही थी इसलिए इसका मूड खराब है। ये देखे ड्रिप लग रही है, अभी मूड खराब है, थोड़ी देर बाद आपको दिखाते हैं। तो अभी अमन का मूड थोड़ा सा ठीक हुआ है, ऊपर देख रही है अभी, तो ये दर्द हुई थी आपको जब डॉक्टर ने लगाई थी, फिर क्यों रो रहे थे हैं ताऊ? तो दोस्तों हम अमन का पता लेकर घर आ चुके हैं, तो ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए खुदा।